तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था ऑप्टिक्स को, और अगर मैं ऑप्टिक्स की बात को मानूं तो ऑप्टिक्स मेरे को स्ट्रांगली सजेस्ट करता है लाइट के ड्यूअल नेचर को। ठीक है कि लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर, इज ऑफ ड्यूअल नेचर। ऑप्टिक्स ने मेरे को ये स्ट्रांगली सजेस्ट किया कि लाइट का नेचर कैसा होता है, ड्यूअल होता है। लाइट के ड्यूअल नेचर को प्रूव करने के लिए उसने डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनास मेरे सामने रखे, जिसमें मुझे पता चलता था कि लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर एज वेल एज ऑफ वेव नेचर। तो अब बात आती है कि लाइट का अगर नेचर ड्यूअल है तो 100% श्योर है लाइट पार्टिकल का भी नेचर कैसा होगा, ड्यूअल होगा। और लाइट पार्टिकल का नाम क्या होता है, फोटोन। अब क्वेश्चन क्या है, इस बार हमारे पास लड़ाई किस चीज की है कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये देखो मैटर एंड रेडिएशन। अब हमारी जो मैटर है वो थ्री स्टेट्स होते हैं हमारी मैटर में बेसिकली, जिसमें बात करी जाती है सॉलिड की भी बात करी जाती है, लिक्विड की भी बात करी जाती है, और गैसेस की भी बात करी जाती है। ठीक है ना, सॉलिड की भी बात होती है, लिक्विड्स की भी बात होती है, और गैसेस की भी बात होती है। एंड एवरी स्टेट इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऑफ कोर्स एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। और एटम के पास थ्री पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं और इमोबाइल होते हैं, हिलते डुलते नहीं है। इलेक्ट्रॉन ही सारा का सारा काम करते होते हैं, शेयरिंग का, पेयरिंग का, बॉन्डिंग का, सब कुछ जो काम करना होता है इलेक्ट्रॉन को करना होता है। यानी कि जहां पे मैटर की बात हुई है, जहां पे बात की गई है मैटर की, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि मैटर के पार्टिकल का जिक्र ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैटर का पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात 100% श्योर है यहाँ पे होगी ही होगी। अब इलेक्ट्रॉन की बात कैसे होगी कि आपने कहा लाइट पार्टिकल फोटोन का नेचर कैसा है, ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर है उसका भी पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर है। अब क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है कि इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कौन, मैटर पार्टिकल। इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कौन, मैटर पार्टिकल, कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएट भी करता है, रेडिएट भी करता है। इसका मतलब हुआ कि मैटर पार्टिकल और लाइट पार्टिकल के बीच कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता है, देयर इज ए कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन लाइट रेडिएशंस एंड मैटर पार्टिकल एंड मैटर पार्टिकल्स। लाइट रेडिएशन और मैटर पार्टिकल्स के बीच कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता है लाइट एनर्जी का। ठीक है ना भाई, एनर्जी का एक्सचेंज किस किस के बीच में होता है, लाइट रेडिएशन और मैटर पार्टिकल्स के बीच। मतलब मैटर के पार्टिकल जो हैं उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएट भी करते होते हैं। तो यहां से हम लिखते हैं कि एनर्जी का कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता है। अब एक्सचेंज होता है तो मैटर के जो पार्टिकल हैं क्या उनका भी ड्यूअल बिहेवियर एग्जिस्ट करता है, क्या उनका भी ड्यूअल बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देन आंसर इज यस, मैटर के पार्टिकल भी ड्यूअल बिहेवियर शो करते हैं। यानी कि आप उनके साथ पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर तो होगा, अब क्या वेव भी एसोसिएट है। ठीक है, तो आंसर इज वेव नहीं है, उनके साथ एक पूरा का पूरा वेव पैकेट है, उसके साथ पूरा का पूरा क्या है, एक वेव पैकेट है। ठीक है, और उसमें जो उसकी वेलोसिटी होगी मैटर पार्टिकल की, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात ये तो था एक जनरल इंट्रोडक्शन, जहां पे चल के हमने बात करी, हमारी जो मेन बात थी, मेन जो मुद्दा था वो ये था, देयर इज अ कंटीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन लाइट रेडिएशन एंड मैटर पार्टिकल। अब लाइट रेडिएशन जो होती है उनका ड्यूअल नेचर होता है, तो क्या मैटर पार्टिकल का भी ड्यूअल नेचर होगा, तो
क्या ड्यूअल बिहेवियर होगा? आंसर इज यस। तो वो किसके साथ एसोसिएट होते हैं? एक सिंगल वेव के साथ? तो आंसर इज नो, वो पूरे के वेव पैकेट के साथ एसोसिएट होते हैं। और उसमें जो ग्रुप वेलोसिटी बनती है वो बनती है क्या? ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल, ठीक है ना। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ग्रुप वेलोसिटी बोलते होते हैं। अब देखो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अपनी बात पे। हमारी सबसे पहली बात क्या है? अगर मैं सोलिड के साथ डील कर रहा हूं तो सबसे पहली बात मैं यहां पे लेके चल रहा हूं, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है, ठीक है? फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? किसी भी मेटल के लिए अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? देखो इस चीज को, देखो भाई मेरा पहला जो आर्टिकल है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन को बेसिकली हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट शेल का क्या मतलब है? इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, इसका नाम होता है वैलेंस सेल, ठीक है ना। आउटर मोस्ट सेल का मतलब है यहां पे वैलेंस सेल, ठीक है, वैलेंस सेल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल का मतलब है यहां पे वैलेंस सेल से, ठीक है, आप इसको बोलते हो वैलेंस सेल। फ्री इलेक्ट्रॉन आप इनको भी बोल देते हो, दिस इज लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टू एटॉमिक न्यूक्लियस, टू एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ जो लूजली बाउंड है इलेक्ट्रॉन्स, उनको भी क्या बोला जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ये लूजली बाउंड है तो क्या हम इन्हें एटम से बाहर निकाल सकते हैं? यानी कि क्या इनका एमिशन पॉसिबल है? क्या इनका एमिशन पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है। इनके एमिशन के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? दैट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, दैट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सर्फेस। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए मेटल सरफेस से बच के बाहर निकलने के लिए, ठीक है। दैट इज द वर्क फंक्शन। मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं, दिस इज वर्क फंक्शन। अब देखो अगर मैं बात करूं, मैंने सुबह भी बताया था, अगर मैं सीजियम के लिए वर्क फंक्शन की बात करूं तो सीजियम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम प्लेटिनम के लिए बात करें तो उसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है, काफी अच्छी वैल्यू होती है उसकी, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ क्या जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज भी आप याद रखना बच्चों। और जो ज्यादातर यूज होगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज होगा, तो 1 MeV आपके पास होता है 1.6 × 10⁻¹³ जूल, ठीक है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बहुत जगह यूज होता है, तो इसको भी आप याद रखिए, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी बचेगा 16। तो ये चीजें आपकी ज्यादातर यूज होती हैं। एनर्जी के लिए और भी हमारे सामने यूनिट हैं, एक है किलोवाट आर, 1 kWh होता है बेटा 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। और पावर की यूनिट जो होती है वो होती है क्या होती है? वाट। पावर की यूनिट होती है वाट और वर्क की यूनिट होती है बेटा जूल। तो जूल अपॉन सेकेंड, यानी कि जूल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है जी?
जूल होता है आपका वाट सेकंड के बराबर, यानी कि एनर्जी की जो यूनिट है उसको वाट सेकंड की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी बात से मेरे को एक बात और भी याद आई है, मेरे को याद है V is equal to होता है भाई W upon Q, तो W is equal to क्या हो गया V into Q, तो W की यूनिट क्या होती है जूल, यानी कि जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी ऑल्सो, V फॉर वोल्ट, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो कूलम इंटू वोल्ट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जूल, ये भी जूल के बराबर है। अच्छा, एक एनर्जी की यूनिट और भी होती है, एनर्जी हीट के बराबर होता है और हीट की यूनिट होती है कैलोरी, कैलोरी, और वन कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है भाई 4.2 जूल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप याद कर सकते हैं, मतलब ये बेसिक बातें हैं बेटा जिसको हमें, जिसका हमें पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल पर्पजेस के लिए ये आपके काम आएंगे, ठीक है। तो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन फॉर वर्क फंक्शन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी स्टार्ट द मेन कॉन्सेप्ट, दैट मेन कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रॉन का एमिशन। नाउ वी स्टार्ट The concept, that concept is electron emission, ठीक है, emission of electrons, ठीक है, electron का emission। देखो हम किस तरह से इसको explain करेंगे, electron emission, ठीक है, ये हमारे पास है electron emission। देखो भाई बच्चों कैसे हम इस पे बात करेंगे, किस पे हम इस पे हम कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो यहां हमें क्या बात करनी है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हम कैसे पढ़ेंगे। देखो देखो भाई, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है वो बहुत तरीके से हो सकता है, बहुत तरीके से, कैसे कि हमारे पास एक मेटल पीस है, मान लीजिए यही है एक मेटल पीस, ये मेटल का टुकड़ा है, ठीक है, यही मान लो, चलो कोई भी शेप ले लो, ठीक है, और इस पे हमने लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस कर दिया, लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस करके इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके, मतलब इससे हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन को बाहर कैसे भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हमारे पास बन सकते हैं। मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकलने चाहिए ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है जी। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं इसके सरफेस को छोड़ के, तो कैसे पॉसिबल है, ये हमारे पास एक मेटल पीस है और इससे इलेक्ट्रॉन देखो कैसे कितने है ना, ये मेटल पीस है मेरे पास, मेटल पीस है और इस मेटल पीस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। अब बाहर किस किस प्रोसेस की हेल्प से वो निकल सकते हैं, तो वो प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा उन प्रोसेसेस का। देखो क्या क्या हो, देखो भाई यहां पे कुछ एक प्रोसेसेस मैं लेने वाला हूं, फोर प्रोसेसेस हैं बेसिकली जो मैं यहां पे पढ़ने वाला हूं जिनको, ठीक है। देखो जी मुझे कैसे पढ़नी है चारों की चारों प्रोसेस, इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन। देखो जी इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकलना, दैट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाना। अब देखो उस बात पे हम किस तरह से अपनी बात बनाएंगे, चलो थर्मियोनिक एमिशन में क्या कहा हमने, हम मेटल को क्या करते हैं पता है, मेटल को हम हीट दे देते हैं, ठीक है, और उससे उनके इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एमिशन विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट, इलेक्ट्रॉन एमिशन विल टेक प्लेस। तो ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका नाम होता है फिर क्या रखा जाता है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ थर्मियोनिक प्रोसेस या थर्मल प्रोसेस, दीज आर कॉल्ड थर्मियोन्स, थर्मियोन्स, ठीक है भाई, इनका नाम हमने रख दिया थर्मियोन्स। सेकेंड प्रोसेस बड़ी पॉपुलर है, ठीक है, अपने नाम से जानी जाती है, ठीक है, इसको स्टार भी दे देते हैं ये लो, ठीक है। देखो इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन,
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अपने नाम से जाना जाता है, और ये अपने नाम से कहता है कि मैं हूं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ फोटोन। ठीक है, फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का एमिशन क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का एमिशन, फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन। ठीक है ना भाई, मैं हिंदी में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहलाएगा। ठीक है ना, फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का एमिशन। और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चा पार्टी क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नाम होता है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टाइप, जिसका नाम है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में हम क्या बोलते हैं कि हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, दैट इज नोन एज फील्ड एमिशन, या कोल्ड कैथोड एमिशन भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और लास्ट वन इज सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी में क्या करना होता है? फील्ड तो अपने नाम से पता चल रहा है कि फील्ड अप्लाई कर दो, तो सेकेंडरी में क्या होगा? सेकेंडरी में होगा कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का इंसिडेंस करवाना है मेटल सरफेस पे। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का जैसे ही इंसिडेंस होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, एंड दैट एमिशन इज नोन एज सेकेंडरी एमिशन। मेरी बात आप समझ गए कि यहां पे आपको फील्ड अप्लाई करना है। फील्ड कैसा? इलेक्ट्रिक। आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, और यहां पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का इंसिडेंस करवाना है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का इंसिडेंस होगा, ठीक है ना, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का इंसिडेंस होगा मेटल प्लेट पे। ठीक है, और उन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, दैट इज नोन एज सेकेंडरी एमिशन। यानी कि बच्चा पार्टी, हमने चार तरह के एमिशन देखे। थर्मियोनिक एमिशन, मतलब हीट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का एमिशन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, सॉरी। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मींस फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का एमिशन। तीसरा है फील्ड एमिशन, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं और उसके कारण इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। और चौथे नंबर पे है सेकेंडरी एमिशन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का इंसिडेंस करना पड़ेगा मेटल प्लेट पे, और उस इंसिडेंस के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे मेटल के इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी उनके पास होगी हाफ एमवी स्क्वायर। इसको एब्जॉर्ब करेगा कौन? इसको एब्जॉर्ब करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसको एब्जॉर्ब करके और क्या कर देंगे? वो ये काम कर देंगे जो आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के भाग रहे हैं। तो अब हमें यहां इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो बात है हमारे पास क्या? वो बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने की, या यूं कहें कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को पढ़ने की। तो हम बिना टाइम वेस्ट करें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, तो इसके वो मैं क्लियर कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, मेरे पास बात जो है वो है हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना बच्चों, मेरे पास है सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मेरे पास है फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मुझे पढ़ना है। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक को पढ़ने के लिए मेरे पास एक तो है हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन और दूसरी है मेरे पास लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। तो वो दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशन मैं स्टडी करूंगा। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास रहेगी एक की हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन, एक मेरे पास है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और दूसरी है मेरे पास लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला मैंने नाम रखा है किसका? हर्ट्ज का, कि हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन हम पढ़ लेते हैं। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन
हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन काफी सिंपल है, उसने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया इस चीज को, ठीक है। और उसने क्या कहा, देखो देखो भाई, हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन ने क्या कहा, देखो वो कहता है कि जब मेटल सरफेस पे रेडिएशन, लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस होता है, ठीक है भाई, मान लो आपके पास ये एक मेटल सरफेस है, ऐसा है, ठीक है, मेटल सरफेस, इस तरह का मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस पे आपने लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस किया है, ठीक है ना, आपने क्या किया इस पे, लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस किया है मेटल सरफेस पे कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये आपके पास लाइट रेडिएशन है इस तरह से, हर एक, ये देखिए ये लाइट रेडिएशन है, आपने मेटल सरफेस पे इनका इंसिडेंस करवाया, और जैसे ही इंसिडेंस हुआ वैसे ही यहां से मेटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ऐसे एमिट हुए, मान लीजिए ऐसे एमिट हुए, मैं मान रहा हूं केवल, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रेडिएट हुए। आपने कहा कि हमने लाइट रेडिएशन जिसके पास फ्रीक्वेंसी थी, सॉरी एनर्जी थी एच न्यू के बराबर, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया इन इलेक्ट्रॉन्स ने और ये मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर निकले हैं, ठीक है। तो हर्ट्ज ने यही बात कही कि व्हेन सुटेबल रेडिएशन फॉल ऑन ए मेटल सरफेस, सम इलेक्ट्रॉन नियर द सरफेस एब्जॉर्ब एनफ एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन, ड्यू टू इट दे आर एबल टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन, ठीक है, इन द मटेरियल ऑफ द सरफेस एंड एस्केप टू द सराउंडिंग स्पेस, ठीक है। उसने यही बात करी कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये न्यूक्लियस के साथ तो अटैच थे ना, ऑफ कोर्स ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ये न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए थे, किस फोर्स से, इसके न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है, जेड ई, अगर इनके बीच सेपरेशन आर था तो फोर्स इनके बीच थी एफ इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू, मतलब जेड ई इंटू ई डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, यही फोर्स थी, इस फोर्स से जुड़े हुए थे। जब हमने लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस कराया तो उसने इसको इतनी एनर्जी दी कि वो इस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कर जाए, ओवरकम कर जाए, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को मतलब कम करने के बाद उसके सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाए, ठीक है ना, उसके सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाए। दैट वॉज द हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, हर्ट्ज ने कहा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब हर्ट्ज ने ऐसा कहा तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेनार्ड जो था उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी और उसने अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए किस तरह से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, लेट्स टॉक ऑन लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड्स एंड हालवास भी था इसके साथ, ठीक है, लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन देखिए बच्चों, लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, देखो भाई लेनार्ड्स की क्या ऑब्जर्वेशन थी, उसकी ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। उसने क्या किया था, उसने बेसिकली एक ग्लास और क्वार्ट्स और ग्लास का ग्लास लिया जिसकी शेप कुछ इस तरह की थी। उसने ग्लास का यूज क्यों किया, क्योंकि ग्लास की प्रॉपर्टी होती है कि वो उन रेडिएशन को अपने अंदर तो आने देता है जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो, लेकिन उनको बाहर नहीं जाने देता जिनकी वेवलेंथ क्या हो जाए, थोड़ी भी कम हो जाए, ठीक है ना, जिनकी वेवलेंथ कम हो जाती है उनको वो बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक विंडो लगानी है, यहाँ पे हमने दो मेटल प्लेट्स लगानी है, ठीक है, एक का नाम यहाँ पे एमिटर होगा और दूसरे का नाम यहाँ पे कलेक्टर होगा, ठीक है, एक कलेक्ट करने का काम करेगा और एक इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने का काम करेगा, ठीक है, इस तरह से, ये देखो बच्चों इस तरह से, ठीक है। हम थोड़ी सी ड्राइंग पेंटिंग और कर देते हैं इस पर, ये हमारे पास ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन भी कवर कर देते हैं, ये देखो बच्चों ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और यहां पे हमने लगा देनी एक बैटरी,
ये नेगेटिव एंड यहाँ पे जोड़ना है सबसे पहले, ठीक है, ये पॉजिटिव एंड, ये फिर नेगेटिव एंड, और ये फिर पॉजिटिव एंड, इसको हमने कनेक्ट कर देना इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव एंड है और ये है आपका पॉजिटिव एंड, इसको हम बोलते हैं एमीटर प्लेट, और इसको हम बोलते हैं कलेक्टर प्लेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर प्लेट हम बोलते होते हैं इसको, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टर और उसको हम बोलते हैं एमिटर। अब हमें क्या करना होता है बच्चों कि लाइट रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, लाइट रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन एमिटर प्लेट, एमिटर प्लेट पे हम लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस करवाते हैं, यहां पे लाइट रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इस विंडो से होती हुई लाइट रेडिएशन आ रही है, आपको दिख रही है ना, और यहां स्ट्राइक करती है, ठीक है। लाइट रेडिएशन के पास एक सिंगल पार्टिकल के पास एनर्जी होती है एच न्यू, उसकी एनर्जी को इस मेटल के सरफेस पे बैठे इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव पोल उनको धक्का मारता है, और धक्का मारते ही वो किसकी तरफ भागते हैं, पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मोशन किसकी तरफ स्टार्ट हो जाता है, कलेक्टर प्लेट की तरफ स्टार्ट हो जाता है। अब यही इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या कंस्टिट्यूट करता है, करंट कंस्टिट्यूट करता है, करंट बनाता है, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या बनाएगा, करंट बनाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमने ट्यूब यूज करी है वो ग्लास ट्यूब है, ग्लास की बनी हुई ट्यूब है बच्चों, ग्लास ट्यूब है। यहाँ इस प्लेट को हमने कहा है कलेक्टर प्लेट, क्योंकि आपको दिख रहा है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागे भागे आ रहे हैं, कलेक्टर प्लेट। और इस प्लेट को हमने कहा है एमिटर प्लेट, एमिटर प्लेट, ठीक है ना बच्चों, इसको हमने कहा है एमिटर प्लेट, जो ई नाम से हमने यहाँ पे डिनोट किया है, ठीक है। और ये विंडो है जो ग्लास की बनी है, तो ग्लास की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है उनको एंट्री मारने देती है, लेकिन जैसे मीडियम में लाइट रेडिएशन एंटर कर जाती है तो उनकी जो वेवलेंथ है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ इस तरह से अफेक्ट हो जाती है, यानी कि वो वेवलेंथ जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है उसकी वैल्यू, किस फैक्टर से, लैम्डा डिवाइड बाय म्यू, इस फैक्टर से उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहां तक बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो बेटा हमने आगे किस तरह से बात कर ली है, एक मिनट देखो भाई हमें आगे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, बैठे बैठे तंग हो गए भाई, सुबह बैठे थे बच्चों, सुबह 7 बजे बैठ जाते हैं और अब देख लो शाम तक चल रही है क्लास, है ना। आप लोग अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा, ये मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते होते, ठीक है। देखो बच्चों हमने क्या कहा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे जो लेनार्ड की ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि ये जो लाइट रेडिएशन है इनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है कम से कम, जैसे हम बोलते हैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी, जिस पे केवल इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, उसके मेटल के सरफेस को छोड़ सकता है, वो फ्रीक्वेंसी का नाम होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ विच इलेक्ट्रॉन कैन लूज मेटल सरफेस ओनली, इस पे काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी, ठीक है ना। ये आप कहते हो कि नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज स्मॉलर देन ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी आपने जो अप्लाई करी है या आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, वो लेस है किससे, थ्रेशोल्ड से लेस है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उसकी वैल्यू लेस है, देन नो एमिशन विल टेक प्लेस, देन नो एमिशन विल टेक प्लेस, विल टेक प्लेस, नो एमिशन विल टेक प्लेस, ठीक है ना बच्चों, ये बात याद रखना। यानी कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन तभी होगा जब आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या तो ज्यादा हो या कम से कम बराबर तो हो, ताकि वो मेटल सरफेस को छोड़ सके। मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुन लेना बेटा,
ठीक है, मैंने कहा कि कम से कम थ्रेशोल्ड के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को आगे लेके चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें नाउ व्हाट वी वांट टू स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। देखो बच्चों क्या है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट वी वांट टू स्टडी, व्हाट वी वांट टू स्टडी, ये जगदीप गुरलीन कौन है बेटा, ये बच्चा जगदीप गुरलीन कौन है बेटा, एक बार प्लीज टेल मी। सर गुरलीन कौर। अरे गुरलीन कौर आप हो, चलो ठीक है फिर तो आप, कोई बात नहीं, मैंने सोचा कौन बच्चा है। चलो पढ़ो बेटा आगे पढ़ते हैं। देखो कि नाउ व्हाट वी वांट टू स्टडी इन द कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट आई हैव टेकन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाउ वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी What we have to study, देखो बेटा हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे अब, ठीक है। देखो बच्चों मुझे ये बातें यहाँ इस कॉन्सेप्ट में पढ़नी है। अब मुझे जो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बना है ना बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे जो बना है उसकी डिपेंडेंसी चेक करनी है कि कैसे कैसे वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, कैसे वो डिपेंड करता है पोटेंशियल पे, कैसे वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। यानी कि तीन चीजें हैं जो मेरे को यहाँ पे बेसिकली पढ़नी है। एक मेरे को पढ़ना है क्या, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके करंट ही बना रहे हैं और उसी करंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मेरे को एक तो बात ये चेक करनी है कि इंटेंसिटी का क्या असर रहेगा उन पे, इंटेंसिटी किसकी, इंसिडेंट रेडिएशन। तो मेरे पास एक बात तो है इफेक्ट ऑफ एक बात तो ये पढ़नी है मेरे को, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक बात तो ये पढ़नी है बेटा मेरे को कि भाई जो इंटेंसिटी है लाइट की, जो इंटेंसिटी है जो आपने इंसिडेंस किया है जिस इंटेंसिटी से, उस इंटेंसिटी का क्या फर्क होगा, क्या असर रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, भी ज्यादा बनेगा कम बनेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ये बात मेरे को पढ़नी है। एक मेरे को पढ़ना है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल किसका, आपने जो बैटरी लगा रखी है, ये वाली बैटरी जो लगाई है ना बेटा, इसके पोटेंशियल का क्या असर पड़ेगा, ठीक है, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक मेरे को इफेक्ट पढ़ना है पोटेंशियल का, एक मेरे को पढ़ना है इफेक्ट किसका, फ्रीक्वेंसी का। ये मेरे पास अब मेरा मेन जो टारगेट है, मेरे पास टारगेट में ये चीजें हैं अब जिनको मुझे यहाँ स्टडी करना है। देखो बच्चों एक है मेरा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एक है मेरे पास इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और एक है मेरे पास इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये तीन चीजें हैं जो मुझे यहाँ पे पढ़नी है इस चैप्टर का, मान लो आप बेस मान के चलो ये तीनों की तीनों बातें, ये 1, 2 और 3, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटेंसिटी को तैयार करना है ना, तो आप इंटेंसिटी के लिए पावर पर यूनिट एरिया को याद रखो, ठीक है ना। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम इनटू एरिया, और वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू इंटेंसिटी,
सभी को पता है ये बात कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होता है, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी को अगर हम इंक्रीज करें तो सीधा सीधा मतलब होगा एनर्जी को इंक्रीज करना। और एनर्जी जब इंक्रीज होगी, एनर्जी कब इंक्रीज होगी, एनर्जी को इंक्रीज कब कर सकते हैं हम, जब नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करें, नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करें। नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हमने कहा है ऑन एवरेज यहां पे एक फोटोन के कारण एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, एक फोटोन के कारण एक ऑन एवरेज मान के चले हम एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है मेटल के सरफेस से। अगर हमने नंबर ऑफ फोटोन को इंक्रीज कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड अगर इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब है कि करंट यहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, करंट भी इंक्रीज होगा। मतलब करंट किस, कौन सा करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना भाई, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट अल्टीमेटली इंक्रीज होगा। अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं ना बच्चों, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा रहना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच, सीधी सी बात है, अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखो बेटा अब आगे इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। देखो हमने क्या कहा कि ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ग्राफ किस किस के बीच का, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच का। तो ग्राफ हमारा कैसा रहेगा, ग्राफ हमारा रहेगा एक स्ट्रेट लाइन। ये देखो भाई, ये थोड़ा सा मिला नहीं है इसके साथ, ठीक है, और यहाँ पे ये लो जी, ये लो। तो ये हमने एक्सिस जो ली है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए ले लेते हैं, एक कोई भी ले लो आप, आपकी मर्जी है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए ले लो इसको एक को, और दूसरे को आप ले लो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। ठीक है ना बच्चों, एक को आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए ले लो, दूसरे को इंटेंसिटी के लिए ले लो, ये ग्राफ रहेगा आपके पास एक स्ट्रेट लाइन। अब देखो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो बात है वो बात है किसके लिए, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल के लिए। ये देखो बच्चों पोटेंशियल के लिए बात हुई है, पोटेंशियल किसका, इस बैटरी का, इस बैटरी का पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट रखता है, ये बात मुझे अब पढ़नी है। ठीक है ना बच्चों, तो मुझे जो बात पढ़नी है वो है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बाकी चीजें मैं कर देता हूं इरेज। ठीक है, देखो कैसे, देखो भाई अब मुझे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल मुझे पढ़ना है। मैंने एक इफेक्ट मैंने पढ़ लिया है, उसका नाम था क्या, उसका नाम था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो बच्चों मुझे आगे क्या पढ़ना है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ये पहली चीज हमने पढ़ ली है, ठीक है, देखो जी सेकंड चीज मेरे पास क्या है, इंटेंसिटी का मतलब मैं समझ गया कि इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करना। नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करेंगे तो क्या असर रहेगा, ये चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, और अब देखो अब हमें क्या स्टडी करना है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल हमें स्टडी करना है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो हम इस पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात यह है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना वो लाइट के कारण है। सबसे बड़ी बात ये आप दिमाग में फिट कर लो कि बिना लाइट रेडिएशन के ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस बैटरी का जो रोल है ना वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने में है ही नहीं। अब मान लो कि लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी है पहली I1 मान लेते हैं, और उसके कारण हमारे निकलते हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स, मान लो 15 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और 15 में से मान लो
कि चार इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो करंट बना रहे हैं, ठीक है, 15 में से केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट को बना रहे हैं। अब 15 इलेक्ट्रॉन एमिट हो चुके हैं बट उसमें से केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कलेक्टर की तरफ जा रहे हैं, मान लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपने पोटेंशियल को इंक्रीज किया, आपने बी को थोड़ा सा इंक्रीज किया, बैटरी बी के पोटेंशियल वी को इंक्रीज किया, वी को इंक्रीज करते ही मान लो आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स उस डायरेक्शन में जाने लगे, आपने थोड़ा और इंक्रीज किया, थोड़ा और इंक्रीज किया तो 10 इलेक्ट्रॉन जाने लग गए, अब थोड़ा और इंक्रीज किया तो मान लो आपके 15 के 15 इलेक्ट्रॉन आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिए। अब आप थोड़ा और इंक्रीज करोगे तो 15 इलेक्ट्रॉन में 15 ही जा सकते हैं ना, तो और इंक्रीज करोगे तो और इंक्रीज करोगे तो 15 ही है ना इलेक्ट्रॉन, तो 15 ही रहेंगे, मतलब चाहे कितना इंक्रीज करते रहो अब यहां के बाद करंट इंक्रीज नहीं होने वाला, ठीक है। अगर मैं ग्राफिकली स्टडी करना चाहूं इस चीज को तो मेरे पास किस तरह का ग्राफिकल स्टडी होगा इसका, ये देखो बच्चों यहां पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये देखिए इस तरह से, ये मैंने दो एक्सिस चूज करे हैं, एक एक्सिस मैंने चूज किया है पोटेंशियल के लिए, दिस इज फॉर पोटेंशियल, दिस इज ओरिजिन से एंड दिस इज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने जो लिया है वो लिया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है भाई। हमने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो तब भी होगा जब पोटेंशियल हमारा क्या होगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल के कारण थोड़ी ना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो फोटोन के कारण है, लाइट रेडिएशन के कारण है। लेकिन हाँ, जैसे हमने फिर पोटेंशियल को इंक्रीज करना शुरू किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता गया, कब तक, जब तक कि 15 के 15 इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना आगे, जैसे ही वो 15 के 15 इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, यहां पे आगे करंट क्या हो गया, सैचुरेट। अब चाहे आप पोटेंशियल को कितना भी क्यों ना बढ़ाते रहो, करंट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ये इंटेंसिटी थी जिस पे 15 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, I1 इंटेंसिटी थी। अब मान लो इंटेंसिटी को हम चेंज कर देते हैं, चेंज करके हम इंटेंसिटी को कर देते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को कर देते हैं I2, और I2 के कारण मान लो हमारे 20 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, 20 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए और इनिशियली मान लो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे करंट बना रहे हैं, तो इनिशियल करंट इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो इनिशियल करंट भी ज्यादा होगा। अब आप पोटेंशियल को इंक्रीज करना शुरू करो, इसी बिहेवियर में करंट इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन जैसे ही सारे 200 के 200 इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में आते हैं तब आप पोटेंशियल चाहे कितना भी इंक्रीज करते रहना, फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट। यहां पे इंटेंसिटी जो थी वो थी I2, यहां पे I2 इंटेंसिटी थी। इसी तरह से इंटेंसिटी को और बढ़ाओ, इंटेंसिटी अगर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो करंट बना रहे थे, अब इंटेंसिटी I3 के लिए भी यही कहानी है आपको दोहरानी, ठीक है। ये इंटेंसिटी है आपके पास I3, ध्यान रहे कि यहाँ पे I3 सबसे बड़ा है, उसके बाद I2 और सबसे छोटा है I1, ठीक है। तो यानी कि तीनों में मैंने एक चीज देखी कि सैचुरेटेड करंट की वैल्यू जो है वो अलग अलग है, ठीक है। इनिशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी अलग अलग है, जिसकी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी है उसका इनिशियल करंट उतना ही ज्यादा है। अब अगर मैं चाहूं, मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो ही ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर हो ही ना तो इस पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, एक सर्टेन नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि इन तीनों में फ्रीक्वेंसी क्या है, मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो इन तीनों के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए जिसपे क्या हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए। मान लो वो कम से कम पर्टिकुलर वैल्यू, इस फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए, वो इतनी वैल्यू चाहिए जितनी मैंने ग्राफिकली प्रेजेंट करी आपके सामने, ठीक है। वो इतनी वैल्यू, जो नेगेटिव वैल्यू आपने ली है ये, ठीक है, वो नेगेटिव वैल्यू ओ से लेकर ए तक, दैट इज वी नोट विद नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल की, वो क्या कहलाएगी, उसका नाम होगा बच्चों यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या आप इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, और कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल इज दैट मिनिमम वैल्यू विद द हेल्प ऑफ विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी जीरो।
ये वो वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है पोटेंशियल की, जिसकी हेल्प से फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. नेगेटिव वैल्यू, दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं डिफाइन करता हूं यहां से, ठीक है. देखो कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूं. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो. फोटोइलेक्ट्रिक करंट becomes equal to zero. Photoelectric current जिसकी help से क्या हो जाता है, zero हो जाता है. आप उसको क्या बोलते हो, stopping potential और cut off potential आप उसको बोलते हो, stopping potential या cut off potential. So this is all about the effect of potential on photoelectric current. अब देखो बच्चों, अब हमारे पास next जो article है, that article is effect of frequency on photoelectric current. देखो frequency को हम किस तरह से explain करें. यहाँ की observation ध्यान से देख लो कि यहाँ पे इसके लिए saturated जो current है वो अलग है. ये देखो इसके लिए saturated intensity I1 के लिए saturated current है, O से लेकर यहाँ तक. Intensity I2 के लिए saturated current की value अलग है बच्चों. Intensity I3 के लिए saturated current की value अलग है बच्चों, ठीक है. लेकिन आप देख रहे हो कि तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, केवल एक ही वैल्यू है. मतलब इंटेंसिटी अगर अलग अलग है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास एक आएगा और सैचुरेटेड करंट आपके पास अलग अलग आएंगे. अब बात होती है भाई फ्रीक्वेंसी की. फ्रीक्वेंसी की बात करने के लिए हमें थोड़ा सा इस बात को तरीके से करना पड़ेगा. कैसे हम तरीके से करते हैं, देखो लास्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. हमारा कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें स्टडी करना है. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे या इंसिडेंट रेडिएशंस on photoelectric current, on photoelectric current, on photoelectric current. देखो बच्चों कैसे हमें काम करना है इसके साथ, ये हमें पढ़ना है, ठीक है. देखो बच्चों कैसे हम इसको स्टडी करेंगे. देखिए अब हमने क्या कहा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी मुझे स्टडी करना है. आपको पता है कि एनर्जी जो होती है ना, E इज इक्वल टू होती है एच न्यू, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के. तो अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम ये चीज क्या बन जाए, ये चीज कांस्टेंट बन जाए. लेकिन एनर्जी में वेरिएशंस हमारे सामने आती रहे, कोई बात नहीं, एनर्जी में वेरिएशन आ जाए, ठीक है. लेकिन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आपका चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहे. यानी कि इंटेंसिटी, आप सीधी सीधी बात कर लो कि इंटेंसिटी आपकी कांस्टेंट है. अगर कांस्टेंट है इंटेंसिटी, तो इसका मतलब है 15 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 15 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे. लेकिन हाँ, मान लो कि फ्रीक्वेंसी है आपकी कम, तो उछल कूद केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स कहां कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, करंट के लिए काम कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स. अगर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा ज्यादा कर दें तो 6 इलेक्ट्रॉन करंट के लिए काम करना शुरू कर देंगे. थोड़ा सा और बढ़ा दें तो 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है, करंट के लिए. यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पेशली उछल कूद तो बढ़ी जाती है, पता ही है सभी को. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, ठीक है, एम्पलीट्यूड उनका बढ़ जाएगा. बट हाँ, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखनी, मतलब उस एरिया के पास कितनी एनर्जी जा रही थी वो उतनी ही जानी चाहिए. भाई मान लो एक इलेक्ट्रॉन इतना उछल रहा था, ठीक है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इसी फ्रीक्वेंसी से उछल रहे थे. मान लो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी फ्रीक्वेंसी, एक की फ्रीक्वेंसी हमने कर दी इतनी,
बिल्कुल कम कर दी दो की फ्रीक्वेंसी और तीनों की फ्रीक्वेंसी हमने दी बढ़ा, ऐसा कर सकते हैं ना, तो सेचुरेशन की कंडीशन रही ना हमारी, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा घटा सकते हैं और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख सकते हैं। अब मान लो हमने क्या बात कही है कि अगर चलो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच का, तो वो ग्राफ हमारा कैसा होगा, चलो देखो, ये एक एक्सिस मैं ले रहा हूं, ठीक है, और दूसरा ये एक्सिस मैं ले रहा हूं, ठीक है जी। अब देखो भाई, मान लो आप किसी फ्रीक्वेंसी पे जाके काम कर रहे हो, किसी फ्रीक्वेंसी पे मान लो आपने कहा कि वो फ्रीक्वेंसी है जी हमारे पास न्यू वन, फ्रीक्वेंसी कम है तो कम इलेक्ट्रॉन करंट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ये आप एक्सिस ले रहे हो पोटेंशियल के लिए, और पोटेंशियल को अगर आप इंक्रीज करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है भाई। तो आपने इस फ्रीक्वेंसी पे जहां पे चार इलेक्ट्रॉन करंट के लिए कंस्टिट्यूट कर रहे थे पोटेंशियल को बढ़ाया, जब आपने पोटेंशियल को बढ़ाया, ठीक है, तो धीरे 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 सारे के सारे पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन कर जाते हैं, और एट लास्ट सारे पार्टिकल अपने आप को अलाइन कर जाते हैं, उस सिचुएशन के बाद आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा नहीं जी, दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू वन, ठीक है। हाँ, इंटेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो 15 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए ना, तो 15 के 15 ही रहेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और बढ़ा दिया तो करंट थोड़ा और बढ़ जाएगा, आप पोटेंशियल को बढ़ाओ तो करंट बढ़ता जाएगा, लेकिन जब सारे 15 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे तो सैचुरेटेड करंट बनेगा, वो तो 15 के कारण ही बनेगा, तो 15 के कारण तो पहले वाला भी बना था, तो इसको इससे मिला दो, यानी कि सैचुरेटेड करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और बढ़ाओ करंट और बढ़ जाएगा, लेकिन सैचुरेटेड करंट एक ही रहेगा, ये बात आप याद रखना, ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास न्यू थ्री, ध्यान रहे कि न्यू थ्री इज ग्रेटर देन न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वन, ठीक है ना। अब जितनी ज्यादा उछल कूद होगी उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगेगा, मतलब न्यू वन के लिए पोटेंशियल कम लगेगा, न्यू टू के लिए पोटेंशियल इससे ज्यादा लगेगा, और न्यू थ्री के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल आपको देना पड़ेगा, दिस इज वी नॉट थ्री नेगेटिव पोटेंशियल है, वी नॉट टू नेगेटिव पोटेंशियल है, वी नॉट वन नेगेटिव पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे जो सैचुरेटेड करंट मेरे को दिखा है वो तो उसकी वैल्यू तो मेरे को नजर आई है केवल एक, ठीक है ना, सैचुरेटेड करंट की वैल्यू तो है मेरे पास केवल एकमात्र वैल्यू है, जबकि नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग है। तो यही यहाँ की ऑब्जर्वेशन है सबसे बड़ी, कि यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उनकी वैल्यूज अलग अलग रहेंगी, जबकि सैचुरेटेड करंट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स, कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ये सारी की सारी बातें करेंगे, ठीक है, आगे अपनी बातें लेके चलेंगे, हमारी क्लास में अब हैं प्रेजेंट 5 बजे, ठीक है भाई, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।